इसका मतलब चाचा ने हम दोनों को इस थैले को यहाँ पर दफनाते हुए देख लिया और उन्होंने इस थैले को चाचा को सलाम नहीं करेगा हा? तुम चाचा नहीं हो हुआ हुआ जिन खुश हुआ खुश हुआ मैं या? जरूर चाचा को हमारे गुफा की राज के बारे में पता चल गया है तभी वो अम्मी से इतनी सारे सवाल पूछ रहे थे और अगर राज के बारे में पता चल गया है तो अब तक थैला खुल गया होगा और ये बात मुझे आका को बतानी होगी आका तो उस्ताद जी को उस गुफा में ले जाने वाली है मुझे उन दोनों को रोकना होगा वरना उनकी जान खतरे में आका ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना किया है अब क्या करूं बेटा चलूं अगर आका और उस्ताद जी की जान बचानी है तो अपनी जान को जोखिम में डालना ही होगा मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा हुआ हुआ जिन खुश हुआ तो तुम हो उस मामूली चिराग के जिनके मामूली आका लेकिन तुम भूल गए कि मुझसे ताकतवर जिन इस पूरी कायनात में कोई नहीं है शराफत से मुझे उस चिराग के जिन का पता बता दो जान बच जाएगी मैं नहीं जानता कि तुम किस चिराग के जिन की बात कर रहे हो मैं किसी जिन को नहीं जानता नहीं जानते नहीं नहीं जानता हुआ हुआ जिन गुस्सा हुआ आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए चिराग के जिन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कहां थे देखो अगर तुमने मेरे भाई को मेरे आका को छुआ भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भाई भाई
तुम्हारा भाई। नहीं चिराग के जिन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा भाई वो मामूली इंसान नहीं, मैं हूं। भाई क्या बात है, सदियों बाद छोटा भाई बड़े भाई से मिला है। गले लगना तो दूर, सलाम तक नहीं किया। सलाम क्या, क्या बात है, भाई को भाई बोलने में जबान ना अटक रही है। तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन सिर्फ नाम के। मेरा असल भाई वो है। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आई। तुम वापस क्यों आए हो? बता दूं, सच में बता दूं, खड़े खड़े थक गया हूं, बैठ के बताता हूं। तुम दोनों में, और सुना है कि मोहब्बत हर दीवार तोड़ देती है। आज देख भी लेते हैं। अगर रुक जाओ, अगर रुक जाओ, इस अंगूठी के चिन्ह ने तुम्हें काबू कर लिया। अगर रुक जाओ, रुक जाओ। आका मैं यहाँ आया हूँ रुलाने के लिए, सताने के लिए, तेरे लिए। देखो तुम मेरे लिए आए हो तो तुम मुझसे लो, मेरे आका को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। तो पहले एक पहेली बुझा, वो क्या है जो सबको रखे ताक पे, जो बैठे सबकी नाक पे, सब दिल में रखे ये जहर, जो मारे उनको हर पहर। मुझे कोई खेल नहीं खेला, मुझे कोई खेल नहीं खेला। मैं तुमसे कह रहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो, मेरे भाई को छोड़ दो। गुस्सा इस पहेली का जवाब है, गुस्सा जो मुझे तुझ पर आ रहा है, लेकिन निकले
इस पर। भाई मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे, मैं आ गया हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मेरे भाई को छोड़ दो। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। चकाटी जादू बनने चले पटाके, आका को बचाना है, जादू काली नीचे बिछाना है। देखो इंसान कांच का खिलौना है, कहीं टूट के बिखर न जाए। तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन दोबारा नहीं बचा पाएगा। अल्लाह अल्लाह बीबी, जा कहीं करीबी। एक मामूली इंसान के लिए तूने अपने बड़े भाई पर हमला किया। मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे भाई को बचाना है। तुम्हें अंगूठी की कसम, अंगूठी की कसम। मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं बदला, मगर शायद तुम भूल गए मेरे भाई कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये मामूली इंसान नहीं, मेरे भाई थे, लेकिन सदियों पहले तुमने मेरे हिस्से की वो मोहब्बत, वो इज्जत खो दी। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम पहले भी बेवकूफ थे, तुम आज भी बेवकूफ हो। जो इन जज्बातों में फंस जाते हो, इंसानों से मोहब्बत करना तुम्हारी कमजोरी है। अगर मोहब्बत करना कमजोरी है, तो ये कमजोरी मुझे दुनिया की हर एक ताकत से ज्यादा अजीज है। कुछ साल पहले पैदा होके कोई बड़ा भाई नहीं बन जाता, बड़े भाई का फर्ज निभाने से कोई बड़ा भाई बनता है। जो जो छोटे को प्यार दे, मोहब्बत दे, उसके सुख दुख में काम आए, उसके साथ रोए, हंसे, और यहां तक उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अपनी जान दे दूंगा जीवन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने। वो होता है बड़ा भाई, इसलिए ये मेरा भाई है। और तुम भाई कहलाने के लायक भी नहीं। बस बस इसके
यहाँ के अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी ज़बान खींच लूंगा। तुझे इन इंसानों पर बहुत यकीन है ना, मैं तुझे गलत साबित करके रहूंगा। तुम पछताओगे और रहम की भीख मांगते हुए मेरे पास आओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। वादा भाई, अगर तुम ठीक तो तुम्हें तो चोट लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या अंगूठी का चिन्ह तुम्हारा सगा भाई? आका, उसका मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन लेकिन आज आज भाई मेरे खून का प्यासा। मेरी गलती आका, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मेरे अपनों को चोट पहुंचेगी। माफ कर दो। फिलहाल हमें घर चलना चाहिए, जाओ, हम इंतजार करेंगे। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? और वो फिर से यहां आने की कोशिश करेगा? करेगा ना? शहजादी के साथ चंद पल बिताने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है। ये क्या हो रहा है? हमें इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन किस बात पे? उसके यहां आने पे या उसके ना आने पे? हम क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार पे दुश्मन के खून के दाग देखे हैं, हमने दुश्मनों के दामन पर आंसुओं के दाग देखे, लेकिन आज जिन के नाम पर हमने दाग देख लिया, हमने तुम्हारी तरह वाहियात, निकम्मा और बेवकूफ जिन आज तक नहीं देखा। मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था, ना तो वो चिराग का जिन आया और ना ही उसका आका। एक जिन का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में जलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा पत्ता जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूँ छोटे, मैं आ रहा हूँ।